सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे बहुत साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उनकी दो बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आए। पहली बार जब वे मिले तब से सौतेली माँ को सिंड्रेला एक आंख ना भाती थी। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला के सौंदर्य और दयालु दिल से बहुत ईर्ष्या करते थे। सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो दोनों कठोर और बिगड़ी हुई भी थी। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने उसके जीवन को नरक बना दिया। जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंछियों के साथ बातें कर रही थी तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंड्रेला को पता नहीं था इस पर क्या बोले। असहाय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया। उसने अपनी चीजें उठाई और अटारी में चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। वो बहुत थक जाती लेकिन ना उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहनों को उसकी दया आई। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो, क्या तुम्हें दिखाई देती? तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पंछियों के अलावा कोई दोस्त नहीं। सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेते लेते वहीं पर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में राज्य द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लिए पात्र सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी वो भागते हुए घर गई और अपनी माँ को बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुंदर थी। राजकुमार ने आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और जूते खरीदने होंगे। चलो खरीदारी करने जाते हैं। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गई। वहाँ खड़ी होकर ये बातें सुनने वाली सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिन तैयारियां चल रही थी। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों दर्पण के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियां होंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। सौतेली बहनें आज जल्दी उठ गई थी। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला सिंड्रेला जल्दी यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी से हमारे स्नान की तैयारी करो। पूरे दिन सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो, सारे बाल निकाल दोगे क्या? शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गई। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन? तुम? हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकर नहीं। चलो, पार्टी के लिए देर हो रही है और तुम याद रखना, सोलह सारे काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए और घर पर अकेली सिंड्रेला रोने लगी। मैं पार्टी
नहीं जा सकते। अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। उसी समय एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो प्रकाश को जा रही थी और अचानक प्रकाश के बीचों बीच एक खूबसूरत परी दिखाई। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल में पार्टी में जाओगी। सिंड्रेला उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। मुझे एक कद्दू और साथ चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उसे कहा। पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो अटारी में गई और अपने चूहे दोस्तों को लेकर फिर से नीचे आई। परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर पक्के में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी छह सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए। आश्चर्यचकित सिंड्रेला बग्घी और घोड़ों को देख रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ, उसकी पुरानी ड्रेस एक खूबसूरत पार्टी गाउन में बदल गई। और उसके पैरों के चप्पल सुंदर काच के जूते में बदल गए। मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बज रहे हैं तुम घर चले आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसे हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ध्यान से सुना।